बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और बॉलीवुड के स्पेशल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट बॉलीवुड को और दबाइए उसके पास भले घंटे को वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। पैसे के सिग्नल से हर गाड़ी रुक जाती है लेकिन प्यार की नहीं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट बॉलीवुड में, जहां पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बॉलीवुड न्यूज का एक और नया एपिसोड और आपको देने वाला हूं आज के बॉलीवुड के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज अपडेट आता है आज के, वो है शशि कपूर जी को लेके। हाल ही में शशि कपूर जी का देहांत हो गया और आज उनका अंतिम कार्य था, जहां पे बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज वहां पे गए थे। उनके परिवार के साथ उन्होंने ये काम कंप्लीट किया और देख लीजिए ये सारे पिक्स। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है कंगना रनावत को लेके। उन्होंने हाल ही में पद्मावती फिल्म के सपोर्ट के लिए कुछ एक कमेंट किया था, जो मैंने कल आप लोगों को बोला था। उन्होंने एक पिटीशन को साइन करने से मना कर दिया जो सवाना आज़मी जी ने बनाया था और उसको प्राइम मिनिस्टर के पास वो भेजने वाली थी। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि क्यों उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया है। उन्होंने ये बोला है कि वो दीपिका के सपोर्ट में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो दीपिका को सपोर्ट करती है इस बात के लिए और उनके ऊपर जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो बहुत बुरी बात है। लेकिन जब कि उन्होंने हाल ही में जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनके और ऋतिक रोशन के बीच, तब किसी ने भी उस ये चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, तब किसी ने पिटीशन फाइल नहीं की थी। और इसके बाद भी उन्होंने जो है दीपिका पादुकोण को सपोर्ट दिया, उन्होंने सारी चीज़ें बोली है पद्मावती के बारे में कि पद्मावती बहुत अच्छी फिल्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका ये मानना है कि वो कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग वे में दीपिका पादुकोण और पद्मावती फिल्म को सपोर्ट करेंगी, लेकिन ये पिटीशन का जो मामला है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि इस पिटीशन से कुछ काम होने वाला है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये पिटीशन फाइल होती हो तो इसमें पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का इंटरफेयर होगा और इसी वजह से वो और भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बारे में। देखते हैं शबाना आज़मी जी क्या बोलते हैं इसके ऊपर। और हालांकि बॉलीवुड के सारे हीरोइंस ने, सारे लोगों ने इस पिटीशन को साइन कर दिया है। अनुष्का शर्मा ने कंगना रनौत को कॉल किया था इस बारे में और देखते हैं आखिर तक इसका क्या हल होता है। और पद्मावती फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो अभी भी चालू है। कोई भी नहीं तो प्रोड्यूसर शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण कोई भी इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर रहे हैं। देखते ये फिल्म लॉन्च हो पाती है कि नहीं। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है कपिल शर्मा की फिरंगी फिल्म को लेके, जो बॉलीवुड में एक डिजास्टर साबित हुई है। उतना बॉक्स ऑफिस इनकम और उतना ऑडियंस का अटेंशन नहीं खींच पाई है। इसके बाद कपिल शर्मा के ऊपर एक और जो है प्रॉब्लम आ चुका है। सिनेमा हाउस में जो सिनेमा हाउस में फिरंगी भी चल रही है, उसके मालिकों ने ये बोला है कि सिनेमा हाउस के जो जितने भी शोज है फिरंगी के, उसको 25% से 40% कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ख़राब है और इसी वजह से ये शोज और भी कम हो गए। जितने भी प्रॉफिट होने वाले थे उतना भी अभी नहीं हो पाएगा। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है चित्रंगदा सिंह को लेके, जो हाल ही में एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाली है जिसका नाम है सुरमा। इसमें दिलजीत और तपस्वी पानू काम कर रहे हैं। ये फिल्म एक हॉकी प्लेयर के लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड करके बनाई जाएगी, जो मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा ने भी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। लिखते चित्रंगदा सिंह कितनी देर, कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाती है इस बात में। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, इंडिया में, इंडियन सिनेमा में जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं ज़्यादातर मेल प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन फीमेल प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम है और ये चीज़ जो चेंज आ रहा है एक बहुत अच्छा चीज़। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है भोली पंजाबन को लेके। भोली पंजाबन एक कैरेक्टर का नाम है फिल्म फुकरे का। ये कैरेक्टर प्ले किया है रिचा चड्ढा ने। हाल ही में वो जब बांद्रा से कार लेके जा रही थी तो कुछ बाइकर्स फैन उनको फॉलो किए और बैड बिहेव किया है रोड पर। बैड बिहेव इन द मीन्स उन्होंने ये रोड का जो रूल्स होता है, जो ट्रैफिक रूल्स होता है, वो उन्होंने ब्रेक कर दिया था। और इसी वजह से जब उन्होंने उनसे फ़ोटो खींचनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि पहले जाके घर पे जाके सुधरे, उसके बाद फ़ोटो लेने के लिए आए। यही चीज़ उन्होंने ट्विटर में शेयर किया है। हालांकि रोड का जो सिक्योरिटी होता है, जो रूल्स होता है, वो कभी भी ब्रेक करना नहीं चाहिए, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो। और ये उसी चीज़ का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है सुभाष कपूर की नए मूवी को लेकर, जिसका नाम है मगुल। इस मूवी के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया है। अक्षय कुमार ऑलरेडी बहुत सारे फिल्मों के लिए साइन कर चुके हैं और बहुत सारे फिल्म उनके आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए भी उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन अक्षय कुमार जब ये स्क्रिप्ट रीड किया उसके बाद
उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई और उसको दोबारा से लिखने को उन्होंने बोला, तो डायरेक्टर ने ये बोला है कि अक्षय कुमार को ये रोल नहीं दिया जाएगा, किसी और को ये रोल दिया जाएगा। देखते हैं इस फिल्म में कौन काम करता है और ये फिल्म कैसी होती है। जल्दी ही आपको ये न्यूज़ अपडेट मिलेगा ऑल अबाउट बॉलीवुड। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है बजरंगी भाईजान को लेके। बजरंगी भाईजान जल्दी ही चाइना में लॉन्च होने वाली है। इससे पहले बहुत सारे फिल्म्स, बॉलीवुड फिल्म चाइना में लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा बिजनेस की है। देखते हैं बजरंगी भाईजान के साथ क्या होता है। हालांकि एक्साइटमेंट बहुत है वहाँ पे इस फिल्म को लेके, बहुत सारे वोट्स, हाई रेटिंग्स मिले हैं इस फिल्म को। इस फिल्म का नाम चेंज करके कुछ अटपटा सा कर दिया है। इस फिल्म का नाम रखा गया है लिटिल ललिता मंकी गॉड अंकल। मंकी गॉड अंकल जो है वो बजरंगी भाईजान है और लिटिल ललिता वहाँ पे ऐड कर दिया है बच्ची मुन्नी को लेके। और एक गलती हुआ है आईएमडीबी में। आईएमडीबी में जब आप ये कास्टिंग चेंज चेक करोगे, अभी वो शायद ठीक हो गया होगा, इससे पहले जब कास्टिंग आप चेक करते तो वहाँ पे सलमान खान की जगह वहाँ पे इमरान हाशमी लिखा आ रहा था और ये गलती हुआ था, लेकिन बाद में ये चेंज किया गया है। हालांकि आईएमडीबी के जो रेटिंग्स है बहुत हाई है इस फिल्म को लेकर। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है विशाल भारद्वाज को लेके, जो हाल ही में एक मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है चूड़िया। ये मूवी एक इंस्पिरेशन है, एक बुक से इसको इंस्पायर्ड है जिसका नाम है द एक्साइल। और इस मूवी का मेन जो सब्जेक्ट है वो है अलकायदा और उसामा बिन लादेन के बीच में हुए फाइट को लेके। इस मूवी में कृति सैनन को एज ए एक्ट्रेस लिया गया है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है फुकरे रिटर्न्स को लेके, जो हाल ही में स्क्रीनिंग होने वाली थी लेकिन शशि कपूर जी का देहांत हो गया और इसी वजह से ये स्क्रीनिंग जो है पोस्टपोन किया गया। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो हम सब करते हैं, पूरी इंडस्ट्री करती है शशि कपूर जी को, और आगे भी यही रहेगा। सारे लोग उनको उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना वो अभी करते हैं और पहले करते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यही थे आज के सारे न्यूज़ और अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, न्यूज़ और अपडेट जो है वो भी पसंद आए होंगे। अगर दोनों आया है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूँ, मंडे टू फ्राइडे मैं ऑल अबाउट बॉलीवुड में आपके लिए लेके आता हूँ बॉलीवुड के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज़, और सैटरडे संडे होता है बॉलीवुड के कुछ स्पेशल वीडियो। इन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट बॉलीवुड को और दबाइए उसके पास वाले घंटे को ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अगर कुछ भी फीडबैक सेशंस कुछ भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमित आपसे मिलूंगा ऑल अबाउट बॉलीवुड के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।